तो गैस मी 11 जो कि शानदार डिस्प्ले, शानदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा के साथ कुछ ही दिन पहले चाइना में लॉन्च हो चुका है और शानदार प्राइस के साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडियन रुपीस में इसकी प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर 45,000 से 50,000 के बीच में इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो इंडिया में हमें देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ोन है गैस मी 11, तो इसीलिए गैस सभी इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गैस Xiaomi जो है वो मी 11 लाइट भी लॉन्च करने वाला है और इसके कुछ लीक भी दोस्तों बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मी 11 लाइट के कुछ लीक जो बाहर निकल कर आया है उसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो है वो सिर्फ एक लीक है, ऑफिशियली कोई भी अभी तक हमें Xiaomi की तरफ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लीक ही है। तो वीडियो में गैस आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस भी आप लोगों के पास आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मी 11 में तो आपको सब कुछ शानदार देखने को मिला था क्योंकि प्राइस भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मी 11 लाइट में आपको कुछ जो है वो यहाँ पर फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पर उसके मुकाबले में कम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो भी गैस उस मोबाइल से बहुत ही कम रहने वाला है। तो यहाँ पर लीक के हिसाब से अगर यहाँ पर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो है गाइस स्नैपड्रैगन 732G वाला, 732G वाला जो स्नैपड्रैगन का 5G जो प्रोसेसर है वो गाइस यहाँ पर आपको इसमें मिल सकता है। और ये गाइस एंड्रॉयड 11 पर आप यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको UI की बात करें तो MIUI 12 के साथ, और अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज वाला IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। तो नो एमोलेड पैनल, यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल जो है वो देखने को शायद नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो गाइस बहुत ही कम होने वाली है। तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर IPS LCD उसके जगह यहाँ पर एमोलेड मिलती तो गाइस बहुत ही अच्छा होता। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पर 64MP का यहाँ पर आपको बैक साइड में मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है, उसके अलावा 8MP का और 5MP के दो और कैमरेज आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 16MP का यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बैटरी की बात करें तो गाइस 4150mAh की बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है विथ यहाँ पर 33W का फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी आपको शायद इसमें देखने को मिल सकता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एमोलेड नहीं है, IPS LCD वाली डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें वाईफाई की तो यहाँ पर आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलने वाला है। आयर ब्लास्टर भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है और NFC भी गाइज आपको इस प्राइस रेंज में मिलने वाला है। और अगर बात करें गाइज इस मोबाइल के प्राइस की तो प्राइस भी गैस यहाँ पर इसके लीक से हिसाब से ही हमने लगाया है, तो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है गैस 17,000 से 18,000 तक यहाँ पर आपको ये मोबाइल मी 11 लाइट जो है वो गैस देखने को मिल सकता है। बाकी जब तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम सिर्फ यहाँ पर लीक के हिसाब से इस मोबाइल को देख सकते हैं। तो खैर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप मी 11 के लिए एक्साइटेड है या फिर मी 11 लाइट के लिए या फिर किसी और मोबाइल के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। खैर मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।